हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी संध्या। अगेन हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो है एक हॉल वीडियो, क्लोथिंग हॉल वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 क्लोथिंग आइटम्स जो कि मैंने परचेस किए और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मैं आपको बताऊंगी कहाँ से लिए। तो सर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है, दिवाली में मैंने वेयर की थी एक रेडी टू वेयर साड़ी जो कि ये है। आई नो बड़ी खराब तरीके से रखा है मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज दिखाती हूँ। इतनी ब्यूटीफुल इसका ब्लाउज है कि मैं वारी जाऊँ इसके ऊपर। लाइक इट सो ब्यूटीफुल गाइस, सुपर ब्यूटीफुल। सो इसका बैक है ये कुछ, और ये है इसका फ्रंट। पूरा इसके आप देख सकते हो पूरा काम किया हुआ है, पूरा सीपीओ का काम है इसके ऊपर। और ये है इसकी स्लीव्स, पूरे के पूरे है ना इस पर भी काम किया हुआ है। और इसमें आपको ब्यूटीफुल से जिप मिलती है, बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की जिप है इसमें। अंदर ऐसे बहुत सारा फैब्रिक दिया हुआ है। अगर आप लोग का साइज वगैरह थोड़ा ज़्यादा है तो आप या फिर कम है तो आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। प्लस इसका यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा नेट का भी काम दिया हुआ है। इसका मतलब है कि पीछे से है ना इसमें जो नेट का काम दिया है तो पीछे से थोड़ा सा बैक विजिबल रहेगा। सो आप मेक श्योर जो भी अंदर ब्रा वगैरह आप पहनो तो वो स्लीवलेस हो, या फिर अभी बहुत सारे ऐसे ब्राज आते हैं जो आप वेयर कर सकते हो ऐसे ब्लाउज के अंदर में। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल है यार इसका ब्लाउज, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब इसकी साड़ी दिखाती हूँ। ओके, इसके साथ एक और बेल्ट आया है, एक और आई मीन एक ही बेल्ट आया है जो कि ऐसा है कुछ, और काफ़ी लॉन्ग इसका बेल्ट है जिसे मतलब जिसकी मुझे तो ज़रूरत नहीं है। इसमें बेल्ट काफ़ी लॉन्ग आया है और मैंने इसको अभी तक के फिक्स नहीं किया। मैंने इसको है ना दिवाली में वेयर किया था और सेफ्टी पिन लगा के मैंने काम चला लिया था। अब इसका ब्यूटीफुल सा साड़ी दिखाती हूँ। ये देखो ये साड़ी कितनी ज़्यादा मतलब शाइन है इसमें बहुत ज़्यादा। और ये जो साड़ी है ना इसमें भी इस टाइप का ऐसे कुछ दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, मतलब इसमें ऐसे हुक्स है जो आप फिक्स कर सकते हो, इस टाइप के हुक्स दिए हुए हैं। और ये साड़ी काफ़ी लॉन्ग है, आप अगर हाइटेड हो तो उनके लिए और भी अच्छा है। मैं थोड़ी सी शॉर्ट हूँ तो ये साड़ी नीचे लहरा रही थी, बट सैंडल में इसको पहनोगे तो काम चल जाएगा। एंड इसका मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसका पल्लू जो कि सिंपल है, बट बस यहाँ पे ऐसा कुछ काम किया हुआ है, स्टिचिंग की हुई है, यानी कि आप इसमें एक अच्छा सा ब्रोच काइंड ऑफ जो पिन आती है साड़ी पिन वो लगा के इसको है ना वेयर करना, बहुत ही सुंदर लगेगा। और मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा दिवाली में, मैंने इसको वेयर किया 5 मिनट में ही मैंने इसको वेयर कर लिया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पहली बार मेरी तैयारी दिवाली में बहुत जल्दी हुई बिकॉज ऑफ दिस साड़ी। सो दिस रेडी टू वेयर साड़ी इज सो यूजफुल अगर आपको साड़ी वगैरह नहीं पहनना आती है तो। ये है हमारा फर्स्ट क्लोथिंग आइटम। तो मैंने बात ही नहीं की कि मैंने इसको कहाँ से परचेस किया है। मैंने इसको परचेस किया है फ्रॉम मिंत्रा, और तब अच्छे खासी सेल चल रही थी तो मैंने वहाँ से इसको बाय किया था। अगर हुआ तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बाय करना अगर आपको इसको बाय करना है या फिर जस्ट ऐसे ही चेक करना है। तो ये दिस इज़ अ ब्रांड फ्रॉम छाबड़ा, छाबड़ा करके कुछ ब्रांड था, तो ये उनका प्रोडक्ट है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो साइज़ का कोई भी इशू नहीं आएगा बिकॉज दे हैव सो मेनी साइजेस। सो आप वहाँ पे चेक कर लेना, वहाँ पे जो साइज़ का चार्ट रहता है उसमें से आप चेक कर लेना एंड देन यू कैन बाई ईजिली। और घर पे भी बहुत जल्दी शिप कर दिया था सो दिवाली में पहनने के लिए मेरे को बहुत ईजी रहा। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। अब नाउ मैं आपको सेकेंड प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ ना, दिस इज़ फ्रॉम फ्री अप। फ्री अप इज़ लाइक शॉपिंग वेबसाइट जहाँ पे आपको यूज प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से बाय करो तो मेक श्योर है ना कि आप चेक कर लेना उसकी कंडीशन क्या है। न्यू होगा तो न्यू लिखा होगा, न्यू विद टैग होगा तो न्यू विद टैग लिखा होगा, यूज होगा तो लाइक यूज लिखा होगा, लाइक रैंडम और बेसिक थिंग। सो अब मैंने वहाँ से जो बाय किया है ना वो एक ब्यूटिफुल सा बारबी गाउन मैं इसको कहूँगी। फर्स्ट इसका जो लुक है वो देखना, पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका मटेरियल, लाइक सुपर शाइनी। और अब मैं दिखाती हूँ ये एक्चुअल में दिखता कैसा है। दिस इज अ लाइक ब्यूटीफुल बारबी प्रिंसेस का प्लेन करी इतनी गंदे तरीके से। सो ये है इसका नेक। अब इसका नेक देखो इतना प्यारा सा इसमें वर्क है, सामने नेक के ऊपर नेट का, देन ये इसकी ब्यूटीफुल सी स्लीव्स है। और
ये है इसका ऐसा कुछ सामने का पार्ट, बहुत ही सुंदर सा है ये इसका पीछे से ऐसे कुछ है लाइक, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको है ना एक क्या कहते हैं, जैसे आप बॉल्स में जाते हो डांस करने के लिए, नहीं क्या, तो बॉल गाउन, सो दिस ड्रेस इज लाइक अ बॉल गाउन। अगर आप कहीं भी ऐसे जगह जा रहे हो ना जहाँ पे आप थोड़ा बहुत डांस करने वाले हो और लाइक कॉलेज की पार्टीज जैसे कि कहते हैं, और आपको कुछ प्रिंसेस वगैरह बन के आना है ना, दिस ड्रेस इज मस्ट। लेकिन आपको ये वहाँ नहीं मिलेगा, तो मैं ये फ्री अप का लिंक दे के कोई मुझे फायदा नहीं होगा आप लोगों को। वाई? बिकॉज दिस इज अ यूज्ड प्रोडक्ट, ये किसी ने ओन किया था पहले, और शी इज लाइक उसने वनी बार पहना था, तो मैंने इसलिए उसके पास से ये ऑर्डर किया और हम लोग ने प्रोडक्ट स्वॉप किया था। सो इसकी लेंथ बहुत ही सुंदर है, तो सैडली आप इसको परचेस नहीं कर सकते बिकॉज ये सिर्फ एक ही था, तो आप ऐसा चाहो तो सिला सकते हो अगर चाहो तो। और मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी वेयर करके, ये कितना सुंदर लगता है वेयर करने पे, एकदम मुझे फील आ रहा था कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, लाइक अ बारबी वाली डॉल ऐसा फील होता है इसको पहनने के बाद, बिकॉज इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और ये काफ़ी लॉन्ग है, आप इसको सैंडल पे वेयर कर सकते हो या फिर आप शूज़ भी पहनो, और अंदर तो पता नहीं चलेगा बट या डेफिनेटली मैं नहीं पहनूंगी शूज़। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ये इतना ब्यूटीफुल है, इसमें ऐसा नेट का काम है, ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। हमने स्वॉप किया था तो मैंने उसको अपना एक जो ड्रेस था मेरा शरारा, मैंने उसको वो दिया और उसके बदले मैंने उससे ये वाला लिया, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे ये डील काफ़ी अच्छी लगी। सो ये है हमारा सेकेंड प्रोडक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मैं आपको दिखाऊंगी जो कि है एक सूट, और ये भी बहुत प्यारा है, अगेन दिस इज फ्रॉम प्रिया। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये सूट कैसा दिखता है। सो मैंने इसको उल्टा करके रखा है, सो अब मैं दिखाती हूँ ये प्यारा सा सूट जो मैंने अगेन फ्री ऑफ से बाय किया। ओके, ये पीछे का पार्ट है, ये है फ्रंट। सो ये देखो इसका काम कितना सुंदर है, और ये जो नेट है ना इतना सॉफ्ट नेट है कि बिल्कुल चुभेगा नहीं, और ये है इसकी स्लीव्स, इतनी सुंदर प्यारी सी स्लीव्स है इसकी, मुझे बहुत ही प्यारी लगी। ये है इसका नेक, और ये है इसका बैक, और बैक में मटेरियल जो है ना यहाँ से पूरा प्लेन है, बट आप इसका फ्रंट देखो ना बहुत ही सुंदर है इसका फ्रंट। इसमें दुपट्टा दिखाती हूँ आपको, अगेन वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, ये एक रफल दुपट्टा आता है इसके साथ। ओह माय गॉड, मैंने इसको एक बार वेयर किया है छठ पूजा में, ये देखो ये ऐसा इसका दुपट्टा है, इतना सुंदर लगता है ना पहनने पे, इस टाइप से इसका दुपट्टा बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इसको ऐसे वेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट विल लुक ऑड, सो आप इसको वन साइड से ही वेयर कर सकते हो इस दुपट्टे को, और ये इतना सुंदर लगता है ना, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। सो ये इसका एक दुपट्टा है, और इसमें पैंट नहीं आया था तो मैंने इसको अलग से परचेस किया, लाइक सिंपल लैगी है ये, सिंपल ब्यूटीफुल सी लैगी जो मैंने परचेस किया ऑनलाइन, और ये लैगी है फ्रॉम लायरा। सो मैंने इसको लायरा से परचेस किया है, लायरा से मैंने लायरा की लैगी परचेस की है। सो या ये था आज का हॉल वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।